रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन गुना की बैठक आज स्थानीय पुरानी गल्ला मंडी सिंधिया पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में संत श्री गाड के बाबा की मूर्ति का निर्माण के लिए रजक समाज जनों की आज हुई बैठक में 51,000 रुपए का दान आया। मूर्ति का निर्माण जयपुर के कारीगरों से कराया जाएगा। रजक महासमाज संगठन के प्रदेश सचिव राजेश रजक मातापुरा ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा की अध्यक्षता में रखी गई। यह बैठक राष्ट्रीय संत और रजक समाज के आराध्य देव स्वच्छता मिशन के जनक संत श्री गाड के बाबा की मूर्ति बनवाने हेतु रखी गई थी। बैठक के दौरान मूर्ति बनवाने का प्रस्ताव लक्ष्मण बडेरा द्वारा रखा गया, जिसका समर्थन प्रदेश सचिव राजेश रजक सहित उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर किया। मूर्ति निर्माण के लिए जयपुर के कारीगरों से चर्चा की गई, जिन्होंने मूर्ति निर्माण का कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। सभी रजक जनों ने अपनी सुविधा अनुसार मूर्ति निर्माण के लिए दान की घोषणा की, जो आज की मीटिंग में 51,000 का दान बाबा की मूर्ति निर्माण के लिए आया है। रजक समाज संगठन आगामी कुछ दिनों में समाज बंधुओं के घर घर जाकर मूर्ति निर्माण के लिए सुविधा अनुसार दान लेने का प्रयास करेगा। मूर्ति निर्माण हेतु जिला संयोजक दिनेश रजक गुलाबगंज को बनाया गया। आज रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन जिले का गुना की बैठक यहाँ रखी गई है और इस बैठक में सभी संगठन और समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी ने आज तय किया है कि शहर के अंदर राष्ट्रीय संत समाज के जो हैं संत गाडगे बाबा, उनकी मूर्ति लगना चाहिए। सभी लोगों ने बैठक में तय किया है कि मूर्ति लगवाई जाए और मूर्ति के लिए आज सभी लोगों ने यहाँ दान स्वरूप अपनी अपनी राशि की घोषणा भी की है और बहुत जल्दी हम सभी लोग जयपुर जाकर मूर्ति बनवाकर गुना में लाएंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। गुना से नरेंद्र चंदेल की रिपोर्ट।